हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 कंप्यूटर एथिक्स एंड क्राइम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज साइबर क्राइम। बेसिकली व्हेन यू आर यूजिंग कंप्यूटर टू कमिट अ क्राइम इज कॉल्ड साइबर क्राइम। जब आप कंप्यूटर को यूज़ करें किसी क्राइम को कमिट करने के लिए तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, तो आजकल बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम जो है वो मतलब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है। लोग कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं टू कमिट क्राइम, क्राइम को कमिट करने के लिए दे यूज़ कंप्यूटर्स। ठीक है, और लोग जो हैं वो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अदर्स। ठीक है, और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए दे डू दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू सी साइबर थ्रेट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम देम। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम दीज साइबर थ्रेट्स एंड साइबर बुलिंग्स। देन वी आर गोइंग टू सी इंटरनेट फ्रॉड्स, स्मार्टफोन सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स क्या होते हैं? देखिए, व्हेन यू आर यूजिंग कंप्यूटर विदाउट हार्मिंग अदर्स, ठीक है, इट मीन्स दैट यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स एथिकली। यानी बेसिकली कंप्यूटर एथिक्स क्या होते हैं? कंप्यूटर एथिक्स सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं फॉर यूजिंग कंप्यूटर, जिसमें इफ़ यू आर यूजिंग कंप्यूटर विदाउट कॉजिंग हार्म टू अदर्स, ठीक है, इज कॉल्ड कंप्यूटर एथिक्स। ठीक है, सो दीज आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स विदाउट कॉजिंग हार्म टू अदर्स, इट इज कॉल्ड कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स सेट सर्टेन गाइडलाइंस। सो कंप्यूटर एथिक्स जो है वो सर्टेन गाइडलाइंस सेट करते हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, ठीक है, अमंग पीपल ओवर इंटरनेट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द पीपल एंड देयर डेटा। यानी कि आप कंप्यूटर को यूज़ करके इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग एंड इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग टू अदर्स, ठीक है, दैट इज़ गुड। एंड इफ़ यू आर नॉट हार्मिंग टू द अदर पर्सन, that is good, that is computer ethics, ठीक है, that comes into computer ethics। लेकिन when you are using computer to commit a criminal activity, if you are using computer to harm someone, that is cyber crime or cyber bullying, ठीक है। अब जैसे कि spamming हो गई, hacking हो गई, these are part of the cyber crime। Now there are variety of cyber threats on internet today that may cause psychological harm। So in cyber crime की वजह से बहुत ज़्यादा psychological harm पहुँच रहा है लोगों पर। And also loss of important data, जो लोगों की important data है या personal information है उनकी भी मतलब loss हो रही है, ठीक है। Now cyber threats and protection from them। Cyber threat क्या होता है? Basically when online computer is exposed, जब ऑनलाइन कंप्यूटर expose कर दिया जाता है to threat of viruses, spywares, spyware ये क्या है? ये malicious programs हैं, ठीक है, जो कि hackers या फिर spammers use करते हैं, ठीक है, to get the information of people, unauthorized access and information theft, ठीक है। तो साइबर थ्रेट जो है वो इन्वॉल्व करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंफॉर्मेशन थ्रेट, यानी जब लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो जाती है, सो दैट इज़ इंफॉर्मेशन थ्रेट। एक बार अगर आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई तो आपकी इंफॉर्मेशन हैकर्स यूज़ कर सकते हैं टू कमिट क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ठीक है। नाउ हैकर्स कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू कमिट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड सेंड आउट स्पैम, वायरसेस, ट्रोजन्स एंड वॉर्म्स। ना वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस मलिशियस कोड्स होते हैं एंड दे अटैच देमसेल्व्स विद प्रोग्राम फाइल्स। जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं उनसे अपने आप को अटैच कर लेते हैं और उन प्रोग्राम फाइल्स को करप्ट करते हैं। दे करप्ट द प्रोग्राम फाइल्स, दे डिस्ट्रॉय ऑल योर यूजफुल डेटा, यानी आपका जो भी यूजफुल डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं, आपका यूजफुल डेटा सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, एंड उसको मतलब सब कुछ बिगाड़ देते हैं, ठीक है, और आपकी यूजफुल डेटा को करप्ट कर देते हैं। दे करप्ट योर डेटा स्टोरेज, ठीक है, योर फॉर्मेट, एंटायर कंप्यूटर सिस्टम कैन बी रेंडर्ड यूजलेस, यानी आपका जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है वो यूजलेस हो जाता है, आपके किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि मतलब आपका पूरा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम रुइन हो जाता है, ठीक है, बर्बाद हो जाता है।
ड्यू टू वायरसेस। ठीक है, देन वी हैव ट्रोजन्स। तो ट्रोजन्स क्या होते हैं? ट्रोजन्स मलेशियस प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा वायरसेस मलेशियस कोड्स होते हैं, वैसे ट्रोजन्स मलेशियस प्रोग्राम्स होते हैं। दे आर दैट आर प्रमोटेड एज यूजफुल यूटिलिटीज और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ट्रोजन्स अपने आप को एक यूजफुल या फिर एक मतलब अच्छे सॉफ्टवेयर की तरह अपने आप को डिस्प्ले करते हैं इन फ्रंट ऑफ द यूजर। ठीक है, जो यूजर है उसके सामने जो ट्रोजन्स है वो अपने आप को एक यूजफुल यूटिलिटी या फिर एक यूजफुल सॉफ्टवेयर की तरह प्रमोट करते हैं। और एक बार अगर यूजर ने इन ट्रोजन्स को इंस्टॉल कर लिया तो फिर ये जो ट्रोजन्स होते हैं दे अफेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको अफेक्ट कर देते हैं, सारी फाइल्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सब कुछ मतलब सारी जो फाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, देन वी विल सी वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स जो है ये प्रोग्राम कोड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दैट वायरसेस आर द मलेशियस कोड्स, ट्रोजन्स जो है ये मलेशियस प्रोग्राम्स होते हैं, एंड वॉर्म्स आर द प्रोग्राम कोड्स। ठीक है, वॉर्म्स जो है ये प्रोग्राम कोड्स होते हैं। वॉर्म्स जो है वो अपने आप को अपनी कॉपीज जो है उसको स्प्रेड कर देते हैं ओवर अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिकली दे रेप्लीकेट देमसेल्व्स। वॉर्म्स जो है वो अपने आप को रेप्लीकेट करते हैं, अपने आप अपनी कॉपीज बना लेते हैं, एंड दे स्प्रेड देयर कॉपीज ओवर अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अपनी जो कॉपीज है उसको बहुत सारे कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स में स्प्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर पे अपनी कॉपीज क्या करते रहते हैं, ये बनाते रहते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। नाउ हाउ कैन यू टेक प्रोटेक्शन? ठीक है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम दीज वायरसेस? ठीक है, फ्रॉम दीज मलेशियस प्रोग्राम्स। नाउ यू कैन यूज एंटीवायरस। आप एंटीवायरस यूज कर सकते हैं। एंटीवायरस क्या करते हैं? एंटीवायरस बेसिकली प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन। ठीक है, एंटीवायरस एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी और इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू योर कंप्यूटर। ठीक है, एंटीवायरस जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस, ठीक है, मैकफी वायरस स्कैन, कैस्पर स्काई एक्सेट्रा। नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस। तो एंटीवायरस एक मतलब स्ट्रॉन्ग हेल्दी और इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू योर कंप्यूटर। एंटीवायरस शुड बी अपडेटेड रेगुलरली। ठीक है, आप एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करते रहिए सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज न्यूली डेवलप्ड मलेशियस प्रोग्राम्स। तो एंटीवायरस को हमें रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए ताकि अगर कोई भी न्यूली डेवलप्ड मलेशियस प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ रहा है या फिर डेवलप हो रहा है सो एंटीवायरस विल न्यूट्रलाइज एंड आइडेंटिफाई द डेवलपिंग मलेशियस प्रोग्राम। ठीक है, देन वी हैव फायर वॉल। फायर वॉल क्या होता है? फायर वॉल एक नेक्स्ट लेवल की या फिर एक अनदर लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू योर कंप्यूटर। ठीक है, एंड ये जो भी इनकमिंग अटैक्स होते हैं, जो इनकमिंग अटैक होते हैं आपके कंप्यूटर में जो कि हैकर्स या स्पैमर्स करते हैं, उनसे ये उनको प्रिवेंट करता है। सो बेसिकली दे प्रिवेंट इनकमिंग अटैक्स। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फायर वॉल प्रोटेक्शन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फायर वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं विच कैन बी एक्टिवेटेड। तो आप इसे फायर वॉल को एक्टिवेट कर सकते हैं टू फिल्टर अनवांटेड एक्सेस, यानी आपके कंप्यूटर में जो भी अनवांटेड एक्सेस है उसको फिल्टर करने के लिए यू कैन यूज फायर वॉल। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क जो है वो इन फायर वॉल्स को यूज करते हैं ताकि जो अनवांटेड आईपी एड्रेस है इट कैन बी फिल्टर्ड आउट। ओके, देन वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट बेसिकली मीन्स दैट यू शुड नॉट इंस्टॉल अनडिजायर्ड प्लगइन्स, यानी जो भी अनडिजायर्ड प्लगइन्स हैं उसको आपको अपने ब्राउजर में डाउनलोड नहीं करना चाहिए। यू
यू शुड नॉट इंस्टॉल अनडिजायर्ड प्लगइन्स इन योर ब्राउजर, ठीक है। एंड विंडोज अपडेट एंड अपडेट ऑफ योर ब्राउजर फिल्स एनी सिक्योरिटी होल्स एंड बग्स, ठीक है, विच हैकर्स कैन यूज टू एक्सेस योर कंप्यूटर। ना विंडोज अपडेट्स जो हैं, या फिर इफ़ यू आर अपडेटिंग योर ब्राउजर, इससे क्या होता है, इट फिल्स एनी सिक्योरिटी होल्स एंड बग्स विच हैकर्स कैन यूज टू एक्सेस योर कंप्यूटर। डू नॉट इंस्टॉल अनडिजायर्ड यूटिलिटीज, तो कोई भी अनडिजायर्ड सॉफ्टवेयर या फिर अनडिजायर्ड यूटिलिटीज को या फिर प्लगइन्स को आपको अपने ब्राउजर में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है, वरना हैकर्स इन मतलब आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं टू एक्सेस योर कंप्यूटर। डू नॉट ओपन स्ट्रेंज अनरिकॉग्नाइज्ड ईमेल्स, तो कभी भी मतलब स्ट्रेंज या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड ईमेल्स या मतलब ईमेल्स जो है आपको नहीं ओपन करना चाहिए। यू शुड नॉट ओपन अनरिकॉग्नाइज्ड ईमेल्स और अटैचमेंट्स इवन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। वॉर्म्स स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स एंड मे लॉन्च ईमेल अटैक टू अदर यूजर्स, नेसेसरी अटैचमेंट शुड बी सेव्ड एंड वायरसेस स्कैन। अब हम बात करते हैं स्पाइवेयर और एडवेयर। स्पाइवेयर और एडवेयर, देखिए स्पाइवेयर जो है ये खुद अपने आप ही इंस्टॉल कर लेता है कंप्यूटर में, ठीक है, दे बेसिकली इंस्टॉल देमसेल्व्स ऑन द कंप्यूटर, खुद को अपने आप ही मतलब इंस्टॉल कर लेते हैं कंप्यूटर में विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र, ठीक है, बिना यूज़र की नॉलेज के दे देमसेल्व्स इंस्टॉल इट ऑन द कंप्यूटर। एंड मॉनिटर्स की स्ट्रोक्स, टेक्स स्क्रीनशॉट्स, तो आपकी तो जब ये डाउनलोड हो जाते हैं अपने आप ही अपने आप को डाउनलोड कर लेते हैं स्पाइवेयर्स, ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, आपकी चैट्स को रीड कर लेते हैं, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको सब कुछ मतलब स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, सारी आपकी इंफॉर्मेशन या फिर डिवाइस जो है उसको कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन दे फर्दर फॉरवर्ड इट टू द ओनर्स ऑफ सच मलेशियस प्रोग्राम, ठीक है, दे फॉरवर्ड टू द ओनर्स, ठीक है, जो ओनर्स होते हैं इन मलेशियस प्रोग्राम्स के उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे क्या हो सकता है, इससे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का लॉस हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, ठीक है, एंड थ्रेट्स बाय पोजेस थ्रेट्स, now these are some of the threats that are possessed by spyware such as confidential information and identity theft, ठीक है। now how can you protect from spyware, how can you take protection from spyware, you can install an effective spyware detecting software, तो आप एक spyware detecting software install कर सकते हैं अपने computer program में, ठीक है, एंड देन यू एंड यू कैन कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर अपडेटेड। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपने ब्राउजर को रेगुलरली अपडेट करते रहिए, चेक करिए अगर कोई भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अपने आप इंस्टॉल हो रहा है, सो यू कैन चेक इट, ठीक है, केयरफुली रीड एंड क्लोज वार्निंग बॉक्सेस that look like important messages, अगर कोई भी warning message आपको दिख रहा है जो कि important message की तरह है, so you should carefully read it, be careful while installing free programs, यानी अगर आप कोई भी free program install कर रहे हैं, कोई भी free game install कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि वो free programs जो है वो spyware contain कर सकते हैं, they may contain spywares। तो ये हमारा पार्ट वन था, देन वी विल स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।